वक्त 6 बज चुके हैं और जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और शाम को 6 बजे मतदान प्रक्रिया बंद होनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो सहायक कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये गेट बंद कर दिया गया है। 6 बजने के बाद कोई भी मतदाता अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन जो इस गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं वो लोग अपना मतदान करेंगे। उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। अगर इस 6 बजने से पहले पहले जो लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं उनके लिए कोई समय नहीं है। अगर उनको 1 घंटा लगे तो भी मतदान होगा और समय पहले हो जाए तो भी मतदान किया जाएगा, लेकिन नए मतदाता की एंट्री अब नहीं होगी। मैं दोबारा से आपको वो गेट दिखा रहा हूं जहां क्लोज कर दिया गया है कि अब यहां से किसी भी मतदाता की एंट्री नहीं होगी। शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजते ही मतदान के प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी गई है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितनी लाइनें अब तक बची है, जो मतदाता हैं कितने लाइनों में रहे हैं, क्योंकि आज पूरा दिन जो मतदान चला, सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी और शाम को 6 बजे अब बंद कर दी गई है। देख रहे हैं कि अभी जो मतदाता है वो वोट डाल करके आ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो दोपहर को नहीं आ सके, जो अब आ रहे हैं। सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी, लेकिन दोपहर का समय कुछ ऐसा रहा जब मतदान प्रक्रिया बाधित रही, या यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल बंद रही। लेकिन अब लगातार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतदान प्रक्रिया जो है वो समय अब क्लोज कर दिए गए हैं गेट, क्योंकि 6 बज चुके हैं और 6 बजने के बाद जिस प्रकार से चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम को 6 बजे बंद कर दिया जाएगा, बंद हो चुका है। लेकिन अभी जो लोग अंदर प्रवेश कर चुके थे वो लाइनों में हैं। हर बूथ पर करीबन करीबन 5-5, 7-7 या उससे ज़्यादा कम मतदाता मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो मतदाता है वो अपना वोट डालने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और जो बचे हुए मतदाता है उनका वोट पोल होगा। 6 बजे से पहले पहले जो मतदाता गेट में एंट्री कर चुके हैं उन सबके हाथ में एक पर्ची थमा दी जाएगी, उनको नंबर लगा दिया जाएगा और सबका मतदान होगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा लंबी लाइनें नहीं है। इस वक्त जो हम हैं बाड़क गाँव में हैं, उकलाना विधानसभा क्षेत्र का ये बाड़क गाँव है। पीछे उकलाना विधानसभा का बाड़क गांव, जहां पर ये आपको क्लोजिंग का दृश्य हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर 6 बजते ही, इसी प्रकार बाड़क के अलावा जहां जहां भी मतदान प्रक्रिया चल रही है वहां पर सेम प्रोसेस होता है और हर जगह 6 बजते ही गेट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो बूथ हैं 121 नंबर, यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, यहाँ पर एक लंबी लाइन देखने को मिल रही है, मतदाता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जितने मतदाता पहुँच चुके हैं इन सब का वोट पोल होगा, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। क्यों सिर्फ समय निर्धारित है तो गेट एंट्री का था 6 बजे, 6 बजे के बाद जो भी मतदाता यहाँ पहुँच चुके हैं सबका वोट पोल होगा। और ये बाड़क गांव का 121 नंबर बूथ जहाँ पर लाइन लगी हुई है, इन सब का मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया जारी है, सिर्फ अंदर प्रवेश की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। आज करीबन करीबन दोपहर के 2 से 3 घंटे ऐसे रहे जब मतदान शून्य के बराबर रहा, लोग गर्मी के कारण नहीं पहुंचे और मतदान की जो प्रतिशत रहे वो करीबन करीबन 60 से 62 के पास पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। अभी जो अपडेट आई उसके अनुसार 57 से 59% अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अपडेट आई है, लेकिन जब तक टोटल ओवरहाल लास्ट का जो मतदाता है जो लाइन में सबसे पीछे की लाइन में खड़ा है वो अपना वोट पोल नहीं कर देता, और वोट पोल करने के बाद तमाम मतदाताओं की जो प्रतिशत वोट प्रतिशत है वो निकल कर नहीं आ जाती, तब तक यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हिसार ज़िले में है मतदान 60 से 65% के बीच में रहने वाला है। जब आंकड़े आ जाएंगे तब आपको अपडेट भी किया जाएगा कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में कितना मतदान हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। गांव में जो वोट परसेंटेज है वो 60 से 62-65 के बीच में जानी है, इसी प्रकार शहरों में जो वोट परसेंटेज है उसका भी आंकड़ा सामने आ रहा है। अब देखना ये है कि जो मतदाताओं ने आज मतदान किया है, यहाँ के जो प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला जो उन्होंने मत पेटी में बंद कर दिया है वो किसके पक्ष में आता है। 4 जून को नतीजे आएंगे और देखते हैं कि हिसार में जीत का सेहरा किसके सिर सजता है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रविपथ, हिसार।